अभी तो हम करेंगे भाई, अभी तो हम कोई चुनाव उनाव में किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा ये काम नहीं होगा। और मंत्री जी कहते हैं हमने देश को स्वच्छ बनाया है, घर घर में से गंदगी को हटाओ, हमारे घर के आगे गंदगी है। वोट लेने काफी लोग आते हैं, अनीता बदेल भी आती है, लेकिन नाले की बात करेंगे इसलिए वो आगे से लौट जाती है। सब अपनी जेब भरना चाहते हैं और जेब भर के और सब बैठ जाते हैं बन बन के पार्षद। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। ये रामदेव यार कॉलोनी की तरफ से आता है, कृपाल नगर की तरफ से। यहाँ पे काफी दिनों से हो गया, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे काफी समस्या है, यहाँ पे काफी बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल से आते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ से और ट्यूशन से जाते हैं बच्चे, और यहाँ पे अभी 10वीं के बच्चे की क्लास तो वैसे ही लग रही है तो वो भी निकलते हैं, कई बार साइकिल लेके गिर जाते हैं, पर कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद से भी कई बार बोल दिया है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, काफी टाइम से बोला है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है इन सब चीज़ों पे। आने वाले चुनाव में किस तरह का खेलेगा? मुझे नहीं लगता, अब तो लगता है बहिष्कार होगा सीधा सा, क्योंकि कोई किसी को चुनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि सब यही बोलते हैं हम करेंगे करेंगे लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हर चुनाव में ये कहा जाता है हम आपकी समस्या, लेकिन जब वो चुनाव होने के बाद जब वो जीत जाते हैं उसके बाद तो कोई अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता। लाइट की समस्या वगैरह भी है? हाँ है, यहाँ पर कभी कभी जलती है कभी नहीं जलती, अपने आप ही बंद हो जाती है, रात में अंधेरा इतना हो जाता है कि आने जाने वालों को इतनी दिक्कत होती है कि कई बार एक्सीडेंट होता है, होते ही होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए। नाम जी? मेरा नाम प्रिया बैरो। मेरा नाम अनीता है और हम यहाँ राजा गोटी स्कूल के पास, हमारा घर भी है, दुकान भी है, दो तीन दुकानें हैं यहाँ। एक स्कूल तो राजा गोटी गर्ल्स का लगता है, दूसरा स्कूल लिटिल मेयो स्कूल लगता है, और यहाँ दो दो स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, बाकी काफ़ी बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, और यहाँ शाम के समय काफ़ी मच्छर आते हैं जो डांस खा जाते हैं बच्चों को, कस्टमरों को खा जाते हैं, और फिर कस्टमर कहते हैं तुम्हारे नाक का तो कीड़ा ही मर गया है, तुम्हें तो बदबू आती नहीं है, पर हमें तो बहुत बदबू आती है, लेकिन आप इसका कुछ सुलझीवाड़ा कराओ। हमने पार्षद से भी बोला है, यहाँ काफ़ी लोगों से मतलब बताया है लेकिन कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के नगर निगम के वो हैं इंचार्ज बुद्धाराम जी, उनको भी काफ़ी हमने कई बार बोला कि ये गंदगी को पटवा दो, इसमें जाली डाल दो, तो वो कहते हैं कि अगर ये पटेगा ना तो मैं पटने भी नहीं दूंगा इसको, तो हमने कहा कि जाली डाल दो, तो बोला सफाई करने में दिक्कत आती है, तो फिर जाली डल जाएगी तो जाली हटा के सफाई हो जाएगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। एक साल से बहुत परेशान है हम इस नाले को लेकर। कर्मचारी आते हैं सफाई? कर्मचारी तो सफाई करने आते हैं लेकिन वो बंद नहीं करते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं, दो तीन महीने में एक बार आते हैं कर्मचारी। नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, किस तरह से क्या रहेगा आपका? जी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं तो क्या पार्षद को पहले अपनी समस्या? पहले तो हमारी समस्या सॉल्व होगी तभी तो हम कुछ सोचेंगे, बाकी तो वहाँ तक तो नाला बना दिया, वहाँ नाला था सारी नाली बना दी और यहाँ घर के आगे छोड़ दिया, तो गंदा अच्छा नहीं लगता घर के आगे। तो क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? तो अभी तो हम करेंगे भाई, अभी तो हम कोई चुनाव उनाव में किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा ये काम नहीं होगा। और जो भी आता है यहाँ वहाँ से डाल देते हैं, जानवरों को मरे हुए जानवरों को डाल जाते हैं, थैली भर भर के कचरा डाल जाते हैं, फिर मैं नगर निगम वालों को बोल के हटवाती हूँ कि थैली भरा मत, बदबू आ रही है इसे हटाइए, तो कोई कपड़े की गांठ डाल जाता है, मतलब नरक है। वैसे बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान है, ये स्वच्छ भारत है, सारा नरक तो पूरे भारत का हमारे घर के आगे ही डाल दिया है, ये स्वच्छ भारत थोड़ी नहीं है। और मंत्री जी कहते हैं हमने देश को स्वच्छ बनाया है, घर घर में से गंदगी को हटाओ, हमारे घर के आगे गंदगी है, इसको कौन हटाएगा आके? तो सर मेरी आपसे यही अप्लाई है कि बस आप इसको पटवा दीजिए कैसे भी करके, बहुत रिक्वेस्ट होगी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वोट लेने काफ़ी लोग आते हैं, अनीता बदेल भी आती है, लेकिन नाले की बात करेंगे इसलिए वो आगे से ही लौट जाती है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता है कि नाले की बात प्रॉब्लम उठ जाएगी, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं और जेब भर के और सब बैठ जाते हैं बन बन के पार्षद, कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। और हमने एक पार्षद को बोला था, वो बोलते हैं तुम पटवा दो तुम्हारे पास है तो, अब 2-2.5 लाख का खर्चा हम कहाँ से करेंगे, फिर ये लोग पार्षद क्यों बनते हैं? जेब भरने के लिए? तो इनको जेब नहीं भरनी चाहिए, जब लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो इन लोगों को कोई हक नहीं है कुछ भी बनने का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ इस नाले को सही करवा दीजिए आप। साईं बिहार कॉलोनी है, यहाँ पे नाले की बहुत ज़्यादा परेशानी है और नाले से ज़्यादा गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, दुकान पर लेडी से बैठती तो कहती बदबू आ रही है, तो इसको थोड़ा सा बंद करवाना है अपन को। अभी शिकायत देश को लेकर दी थी हमने, लेकिन वो बोल रहे हैं ये चुनाव होने के बाद ही बताएंगे हम आपको। चुनाव में आपको किस तरह का क्या रहेगा? अब क्या रहेगा, जब अगर हमारा आगे से आगे काम देंगे, ये आगे से आगे हमारा काम करेंगे तो हम चुनाव में इलेक्शन में वोट देंगे, नहीं तो देंगे नहीं वोट। कौन सा इलाका है ये, कौन सा वोट पड़ता है? साई बिहार कॉलोनी है, वार्ड नंबर 40 है। और आपका नाम? अनीता राजौत। ये देखो ये पाइपलाइन फूटी हुई है, हमने कंप्लेंट भी करी 3-4 रोज हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये राजा कोटी स्कूल से आगे साई बिहार कॉलोनी है,
वहाँ पर ये पानी भरा हुआ या निकलने की बहुत समस्या हो रही है। कितना पानी भरा हुआ है इसमें? पानी बहुत, देखो इतनी परेशानी हो रही है हमको निकलने करने में, गाड़ी वगैरह निकलने में पूरी दुकानों में पानी आ रहा है। शिकायत दी अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। किसको दिया आपने शिकायत? ये है ना वाटर बॉक्स वाला। पार्षद को भी शिकायत दिया? पार्षद को नहीं दी। अब ये जेंट्सों ने दी थी, जोरी ने कल वो नल खोलने वाले आए थे भाई साहब, उनको बोला, उन्होंने बोला मैं बोलता हूँ जाके, अभी तक तो कोई नहीं आया। आपका नाम? संगीत राम जी। मैं साई विहार गुलाबाड़ी राजाकोट स्कूल के पास रहता हूँ। यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत है, रात को यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, तो यहाँ पे हमारा घर दुकान है, तो खाली कभी छोड़ने का बहुत खतरा रहता है, तो यहाँ पे बहुत हमें लाइट की परेशानी है। तो मैं चाहूँगा नगर निगम इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय ले और यहाँ पे लाइट लगवाएं। कभी शिकायत दी है आपने किसी को? जी हमने शिकायत भी दी है, पर यहाँ पे काफ़ी जगह लाइट नहीं है, तो उसका हम चाहते हैं कि नगर निगम यहाँ पे लाइटें लगवाएं। और यहाँ पे नाले की भी बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ा एक नाला है यहाँ पे हमारे इधर बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पे जानवर भी खूब निकलते हैं, सांप वगैरह बिच्छू, और यहाँ पे लोग बाग कचरा भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि नगर निगम इस नाले को मरम्मत कराए और सही से ढकवाए। आने वाले नगर निगम चुनाव में किस तरह का क्या रहेगा? जी देखिए, अगर कोई पार्षद हमें आश्वासन देता है कि जो हमारी सारी समस्याएं हैं उसका उसको सही कराया जाए, तो हम ज़रूर उन्हें वोट देंगे, पर पहले हमारा काम पूरा हो तभी हम आगे सोचेंगे, वरना वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम निखिल राठौड़।